हेलो फ्रेंड्स, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ क्रिस्पी वेज पकौड़ा की रेसिपी। अगर आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेज पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में सारी सब्जियों को ले लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया सबसे पहले ये कैबेज, अब लेंगे ये कैप्सिकम, ये ऑनियन और ये आलू। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सारे वेजिटेबल को ऐसे लंबे शेप में ही कट कर लिया है। अगर आप स्क्वायर में काटते हैं तो सारी सब्जियों को स्क्वायर शेप में ही काटें, क्योंकि पकौड़ा अच्छी तरह बनाने के लिए इसका जो शेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें डालेंगे धनिया पत्ता। अगर आपके पास बीन्स और कैरेट जैसी सब्जियां भी अवेलेबल है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस पकोड़े में। अब डालेंगे ये कद्दूकस किया हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट, ये एक बारीक कटी हुई ग्रीन चिली। अब इसमें डालते हैं सूखे मसाले। यहाँ पे डालेंगे हम ये एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, ये आधा चम्मच नमक। नमक आप अपनी टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये 2 से 3 चम्मच जितना राइस फ्लोर। राइस फ्लोर से जो हमारे पकोड़े हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो राइस को आप मिक्सी में पीस के भी इसे बना सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये 7 से 8 चम्मच जितना बेसन। बेसन को हमें जस्ट बाइंडिंग के लिए यूज़ करना है, इसलिए आप ज़्यादा बेसन का इस्तेमाल मत कीजिए। अब बेसन को इन सब्जियों के साथ हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि सब्जियों का खुद का एक मॉइस्चर होता है, इसलिए हमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मिक्स करके एक अच्छा सा घोल रेडी कर लेंगे। ये घोल रेडी करने के बाद आपको तुरंत ही इसके पकौड़े बनाने हैं, क्योंकि अगर आप इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे रहने देंगे तो सब्जियों का जो पानी है वो अंदर से निकलने लगेगा और आपका जो पूरा घोल है वो पतला हो जाएगा। तो अब चलते हैं पकौड़े बनाने के स्टेप में। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में ऑयल को गरम करने के लिए रखा है। ऑयल जब हमारा हल्का सा गरम हो जाए तब हमें इसमें से 1-2 चम्मच जितना जो ऑयल है वो इस घोल में डालना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हमारा ऑयल अच्छी तरह से गरम हुआ है नहीं वो चेक करने के लिए हम ऐसे थोड़ा सा बेसन डालेंगे इसमें। ये देखिए, ये ऑयल जो है बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पकौड़े बनाएंगे। इसके लिए हमें घोल को ऐसे हाथ में लेके ऐसे डालना है। अगर आप चाहे तो चम्मच से भी बना सकते हैं इसे। अगर पकोड़े बनाने के टाइम आपका जो घोल है वो पतला हो गया है तो आप इसमें 1-2 चम्मच बेसन डाल के इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ठीक कर सकते हैं। बेसन ज़्यादा नहीं डालना है। इसे हमें हाई टू मीडियम फ्लेम पे इसे पकने देना है। थोड़ी देर के बाद हम इसे ऐसे पलट लेंगे। इसे ऐसे ही हाई टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई होने देना है। जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे तब पूरी तरह से क्रिस्पी भी हो जाएंगे। अब इसे हम निकाल लेंगे। इसे हमें किसी किचन टॉवल या टिश्यू पेपर पे निकालना है जिससे इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जर्ब हो जाएगा। ये देखिए, ये बहुत ही क्रिस्पी दिखाई दे रहा है। इसी तरह से हम सारे पकौड़े बना लेंगे।